हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पलो कृषि। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक लॉजिटेक का ब्लूटूथ अडेप्टर है। ये YS002 है और ये काफ़ी बढ़िया है। ये 5 वोल्ट पे चलता है और इसमें ये ऑक्सिलरी हो गया, ये पावर हो गया इसमें, और ये 3.5 mm जैक हो गया इसके लिए। और इसमें हम लोग को मिलता है ये एक पावर अडेप्टर जो कि 5 वोल्ट का है। उसके बाद हम लोग को मिलता है ये एक ऑक्स केबल जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो हम लोग इसको जल्दी से देखते हैं, इसका लगाने से हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है। और दोस्तों, ये फेंडा का T60X का स्पीकर है, इस पर हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है और ये उसका ब्लूटूथ पे प्ले हो रहा था। तो इसको हम लोग ने अपने फेंडा T60X पे कनेक्ट कर रखा है और अभी देखिए, जैसे ही ये वीडियो प्ले होगा थोड़ी देर में रुक जाएगा या फिर साउंड इसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा ब्लूटूथ पे। ये देखिए दोस्तों, इसका पिक ये अभी रुक गया है और ये प्रॉब्लम आपका ब्लूटूथ के कारण हो रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ जो है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। नेट अभी मेरी काफी अच्छी है, तो अब हम लोग लॉजिटेक वाली लगा के इसमें देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑक्सिलरी पे कनेक्ट कर दिया है और इसका जो है हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे इसका जो इसका पोर्ट्स है। तो ये हमारा 3.5 mm का जैक इसमें चला गया और इसके ऑक्सिलरी पे अभी हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें बता दूँ, ये आपका नीचे में एक लाइट है और ये है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये सेटअप मोड में चला जाएगा। दोस्तों, इसको अपने लॉजिटेक से कनेक्ट कर दिया है, लॉजिटेक वाले से अपने फायर स्टिक को। और अभी हम लोग चलते हैं NCS में, कोई भी प्ले करके देखते हैं अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये हमारा यूट्यूब आ गया। तो दोस्तों, ये हमारा प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व कर दिया और ये ऑक्सिलरी मोड पे है हमारा। देखिए ये AU मोड पे भी चल रहा है सेम स्पीकर में, सिर्फ ब्लूटूथ चेंज करने से हमारा जो प्रोजेक्टर जो है वो वायरलेसली जो है ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट हो गया और स्ट्रीम कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कृपया लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।